विक्रम बत्रा की शादी होने वाली थी, उसको फोन आ जाता है कि जल्दी आ जाओ, करगिल युद्ध होने वाला है। तो विक्रम बत्रा एक ऐसे नौजवान थे जो सारे देश में जिनका नाम था, तो वो कहते पिताजी मुझे फोन आया है, मैं करगिल जा रहा हूं, करगिल युद्ध होने वाला है। तो पिताजी ने कहा बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है डिंपल चीमा से, उसकी मंगेतर का नाम था डिंपल चीमा, तुम्हारी शादी होने वाली है। वो कहता पिताजी शादी में आकर कर लूंगा। तो पिताजी ने कहा तू जा रहा है तू कब आएगा? वो कहते पिताजी मैं जा रहा हूं, आऊंगा जरूर, चाहे मैं तिरंगे को लहराने के बाद आऊंगा और चाहे मैं तिरंगे से निपटने के बाद आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। और जब भी वो अपनी बात खत्म करते थे तो बोलते थे ये दिल मांगे मोर, यानी कि उनके अंदर देशभक्ति की इतनी भूख थी कि वो कभी खत्म नहीं होती थी। विक्रम बत्रा चले गए, फिर योगेंद्र सिंह यादव को बुलाया जाता है, 19 साल का ये नौजवान, इसकी शादी हुई थी नहीं नहीं ये जब ये जाते हैं तो ये अपना घर बार छोड़ के करगिल पहुंच जाते हैं। अब इनको ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है, अब ये तैयारी कर रहे हैं, जितनी भी छोटी छोटी जो पहाड़ियां थी उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। एक पहाड़ी बचती थी करगिल हिल, नाम सुने ना आज आपने, करगिल हिल जो है ये एक पहाड़ी ऐसी थी जो एक तो जो करगिल है वो 18,000 फीट ऊंचा है समुद्र तल से, लेकिन जो करगिल पहाड़ी है, करगिल छोटी है, वो करगिल से भी 5,000 किलोमीटर जो है ऊपर है, इतनी ऊपर है। वहां से बैठा हुआ एक भी आदमी अगर छोटा सा पत्थर फेंकता है तो नीचे वो बम की तरह फटता है। विक्रम बत्रा और योगेंद्र सिंह यादव को करगिल भेज दिया जाता है, करगिल हिल को फतेह करने के लिए भेज दिया जाता है। दोनों जाते हैं और दोनों जब जाते हैं पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, खुशी के साथ जाते हैं। जब रास्ते में वो जा रहे होते हैं, आधे रास्ते में वो पहुंचते हैं तो उनका चढ़ना मुश्किल हो जाता है। योगेंद्र सिंह यादव कहते हैं कि मुझे एक आइडिया है, हम रस्सी के सहारे जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि पहाड़ इतनी ऊंची जगह पे है जहां पे चढ़ना भी मुश्किल है। रस्सियां बांध बांध के पेड़ों के ऊपर वो पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं और जब वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे मिलिटेंट्स में अटैक कर देते हैं। मिलिटेंट्स के पास इतना असला था, हमारे पास असला जितना था वो बड़ा कम था, क्योंकि असला वहां पे पहुंचाना भी, बारूद वहां पे पहुंचाना भी बड़ा मुश्किल था। विक्रम बत्रा लड़ते लड़ते शहीद हो गए। विक्रम बत्रा जब लड़ रहे थे तो फौजियों ने कहा साहब आप यहीं पे रहो, आप हमारे गुरु हो, हमने आपसे बहुत सीखा है, हम आपके आगे रहते हैं। तो विक्रम बत्रा ने कहा नहीं, मुझे मरना मंजूर है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्होंने अपने साथियों को धक्का मार के आगे बढ़े, जैसे वो आगे बढ़े तो उग्रवादियों का शिकार हो गए। उग्रवादियों का शिकार होने के बावजूद भी उन्होंने 5-7 लोगों को मारा और फिर उसके बाद वो शहीद हो गए। दूसरी तरफ जो है योगेंद्र सिंह यादव थे, योगेंद्र सिंह यादव जो 19 साल के थे, 18 साल की उम्र में इन्होंने भर्ती की और 19 साल की उम्र में इनको भेज दिया गया। और कहते हैं तकरीबन 24 से 25 साल की उम्र थी जो फौजी वहां पे लड़ाई करने के लिए जा रहे थे, 24-25 साल के थे सारे। योगेंद्र सिंह यादव जाते हैं, योगेंद्र सिंह यादव कहते हैं हमारे पास असला बारूद गोली तो सब खत्म हो गया है, अब उग्रवादी को कैसे मारेंगे? उन्होंने कहा एक तरकीब करते हैं, हम अपनी गोलियां नहीं चलाएंगे, हम अपने बंदूकें नहीं चलाएंगे, हम अपने ग्रेनेड नहीं फेंकेंगे, चुप करके बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने सोचा कि इंडियन की आर्मी जो है वो सारी मर गई है, अब हम जीत गए हैं और करगिल हिल को जीतना मींस टाइगर हिल को जीतना मींस करगिल के ऊपर फतेह पाना था, लेकिन वो चुपचाप करके छुपे हुए थे इंडियन आर्मी वाले। वो मौके का जो है वो वेट कर रहे थे कि कब मौका आए हम इनके ऊपर अटैक करें। जैसे ही पाकिस्तान के उग्रवादी वहां पे जश्न मनाने लगे तो इन्होंने अचानक अटैक कर दिया, योगेंद्र सिंह यादव और उनके फौजियों ने। जैसे ही अचानक अटैक किया तो पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो वहां से भाग गई। इंडियन की आर्मी जो है वहां पे खुशी मनाने लगी, अपना तिरंगा झंडा जो है फहराने लगी कि हमने टाइगर हिल के ऊपर कब्जा कर लिया है। लेकिन 35 मिनट के बाद फिर जो बचे हुए जो पाकिस्तानी थे उन्होंने फिर जो है वो इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया और इतना ज्यादा जो है वो युद्ध हुआ वहां पे, गोलियां पाकिस्तान की भी खत्म हो गई, इंडिया वालों की भी खत्म हो गई, फिर हाथापाई शुरू हो गई।
जैसे कुश्ती लड़ते हैं वहां पे कुश्ती शुरू हो गई, इंडियन आर्मी वालों ने भी कुश्ती की, लेकिन पीछे से कुछ मिलिटेंट और आए, उन्होंने सबको खत्म कर दिया, हमारे नौजवानों को सबको मार दिया। योगेंद्र सिंह यादव भी मर गए, लेकिन वो मरे नहीं, पाकिस्तानियों ने सोचा ये भी मर गया है, सारे मर गए हैं, लेकिन योगेंद्र सिंह यादव जो है अभी भी जिंदा थे। उनको 15 गोलियां लगी थी तभी वो जिंदा थे, वो सांस रोक के बैठे हुए थे। उग्रवादियों ने जाते जाते उनके पैरों को और हाथों को भी गोलियां लगाई, छलनी कर दिए पैर और हाथ, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। योगेंद्र सिंह यादव कहते हैं कि मैंने उफ तक नहीं की, क्योंकि उनको मरना नहीं था, उनको मारना था। जब पाकिस्तानी ने यह सोचा, उग्रवादी ने सोचा कि योगेंद्र सिंह यादव और सारे जगह खत्म हो गए, अब हम जाते हैं, तो योगेंद्र सिंह यादव ने कहा इनको मारना बहुत जरूरी है, जो बचे हुए हैं अगर इनको मारेंगे फिर हम अपनी विजय जो है हासिल कर पाएंगे। तो योगेंद्र सिंह यादव के जेब में एक बम पड़ा था, ग्रेनेड पड़ा था, वो ग्रेनेड जो है मारना था, अगर ग्रेनेड वो मार देते तो बचे हुए पाकिस्तानी भी मर जाते, लेकिन हाथ और पैर इतनी तरह से छलनी थे कि ग्रेनेड को मारने के लिए उसकी पिन निकालने के लिए भी जोर चाहिए था, लेकिन उन्होंने पिन निकाली बड़ी मुश्किल से, ग्रेनेड हाथ में फट गया, लेकिन बच गए, बाल बाल बच गए। 15 गोलियां लगी थी लेकिन फिर भी बचे, क्यों? सीने में 15 गोलियां लगी थी, कुछ पैरों में लगी थी, उनकी जेब में कुछ सिक्के थे, कुछ क्वाइंस थे, क्वाइंस उनकी जेब में थे, जिसकी वजह से उनकी जो गोली जो लगी थी वो दिल के बीच में नहीं लगी, सीने के अंदर नहीं लगी। उन्होंने चोरी चोरी क्या किया, अपने साथियों के पास गए, देखा तो सारे मरे हुए थे, खून ही खून बह हुआ था, अकेले वो बचे थे, वो रेंगते रेंगते गए और अपने साथी की बंदूक ली, उसमें कुछ गोलियां थी, उन्हीं गोलियों से उन सबको मारा और फिर एक नाले में जाके छलांग लगा दी। नाले में जाके छलांग लगाते लगाते 2-3 दिन उनको लगे, भूखे प्यासे, ऊपर से ठंड, शरीर कांप रहा था, सर्दी इतनी थी, बर्फ पड़ी हुई थी। जब वो गए थे ऑपरेशन करने के लिए, उन्होंने बिस्कुट का केवल आधा पैकेट खाया हुआ था, 3-4 पीस बिस्कुट के खाए हुए थे और 72 घंटे जो है लड़ाई करते रहे। जब वो नीचे पहुंचे, उन्होंने 3-4 दिन के बाद अपने बेस कैंप में जाके साथियों को सुनाया कि मैंने सबको मार दिया है, अब आप देख लो वहां पे कोई बचा हुआ है तो ठीक है। उनको हॉस्पिटल ले गए, उनका इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुआ और ट्रीटमेंट के बाद उनको 3-4-5-7 दिन की रेस्ट दी गई, वो सो गए। डॉक्टर ने कहा कि आप सो जाओ, रेस्ट करो। जब वो सो गए, जब उनकी नींद खुली, नींद खुलने के बाद उनको न्यूज मिली कि हमने टाइगर हिल जीत ली है और करगिल विजय जो है हमने हासिल कर ली है। 26 जुलाई का वो दिन था जब पूरा देश जो है झूम रहा था, नाच रहा था और खुशियां मना रहा था। ये एक ऐसे योगेंद्र सिंह यादव, ये कैसे जिंदा ऐसे फौजी थे जिनको परमवीर चक्र मिला, नहीं तो परमवीर चक्र जो है ये मरने के बाद मिलता है। करगिल युद्ध में इनको जीते जी मिला। और कहते हैं हमारे देश के 500 से भी ज्यादा फौजी शहीद हो गए, पाकिस्तान के कितने हुए उसकी कोई गिनती नहीं है, इतने फौजी हलाक हुए, उनके हलाक हुए पाकिस्तान के, उनको वहीं पे जिंदा चला दिया। हाँ मैं अभी जिंदा है वो योगेंद्र सिंह यादव, करूंगा इंटरव्यू, मैं सुन रहा था। आज पूरे देश में विजय मशाल जो 14 जुलाई से दिल्ली में भी इन फौजियों की याद में एक वार मेमोरियल बनाया गया है दिल्ली में, वहां भी एक मशाल इनकी जलाई जा रही है, जल रही है, और द्रास में भी, करगिल में द्रास जगह, वहां भी एक वार मेमोरियल बना है। तो 14 जुलाई से वो मशाल 1000 किलोमीटर का सफर तय करती हुई आज वहां पे पहुंची है और वहां पे रंगारंग प्रोग्राम हो रहे हैं जहां पे ये जंग हुई थी। आज हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह, हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह वहां पे मौजूद हैं और वहां पे इतने रंगारंग प्रोग्राम हो रहे हैं, और उन्होंने कहा था सारे स्कूलों में ये रंगारंग प्रोग्राम होने चाहिए। तो हम ये क्यों मनाते हैं? हम ये इसलिए हम मनाते हैं ताकि हमारे दिल में भी देश के प्रति देशभक्ति पैदा हो, फीलिंग पैदा हो। हम अपने लिए तो जीते हैं, अपने लिए जानवर भी जीते हैं, लेकिन देश के लिए कोई कोई जीता है, और जो देश के लिए जीता है वही अमर होता है, बाकी तो सारे खा पी के मर जाते हैं, उनको कोई याद नहीं करता। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरे पीछे एक नारा लगाएंगे,
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कुछ आपको समझ में आया? यस सर। डू क्लैपिंग।